हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे कच्चे पपीते के कोफ्ते कैसे बनते हैं। तो इसके लिए हमने इस तरह का कच्चा पपीता लिया था, इसको छिलका उतार के धो के कद्दूकस कर लिया। कद्दूकस करके इस तरह से हो जाएगा ये। इसके लिए अब बेसन लिया है, नमक स्वाद अनुसार, सरसों का तेल तलने के लिए, पानी कोफ्ते बनाने के लिए, एक टमाटर की प्यूरी बना ली, एक प्याज को ग्राइंड कर लिया, लहसुन अदरक का पेस्ट, जीरा, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर। कद्दूकस किया हुआ जो पपीता है उसमें हमने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालना है और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डालना है और 2 चम्मच बेसन डालना है और नमक थोड़ा सा स्वाद के अनुसार डालेंगे। थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि ग्रेवी में भी नमक डालना है हमने। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसमें पानी बिल्कुल ना डालें। अगर बेसन की और जरूरत पड़ेगी तो और डाल लेंगे। मैं बेसन मिक्स कर लिया है, इसमें 2 से 2.5 चम्मच बेसन डाला है हमने, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला। अब हमने कढ़ाई पे तेल गर्म होने रखा है, सरसों का तेल। इसमें हमने छोटे छोटे कोफ्ते बना के इसमें डीप फ्राई करना है। कोफ्ते को इस तरह से पलट पलट के हमने पकाना है, इसका अच्छे से ब्राउन कलर आ जाए और अंदर से पक जाए। थोड़ी देर गैस को सिम कर दें बीच में, अगर आपको लगे कि तेल बहुत गर्म हो गया है, जल रहे हैं तो। इसको होने के बाद हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे। कोफ्ते हमने सारे तल के निकाल लिए। अब इसी कढ़ाई में हम ग्रेवी बनाएंगे, लेकिन ये तेल बहुत ज़्यादा है तो हम तेल निकाल लेंगे, जितना हमें चाहिए उतना छोड़ देंगे। एक्स्ट्रा तेल हमने निकाल लिया। अब इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है और इसको थोड़ा सा भून के इसमें ये प्याज का पेस्ट डाल देना और इसको भूनना है अच्छे से। प्याज हमारा भून चुका है, तेल छोड़ दिया इसने। अब इसमें हमने मसाले डाल देने हैं, जीरा धनिया डाल देंगे और मिर्च अपने हिसाब से डालें थोड़ी सी, क्योंकि कोफ्ते में भी डाली है, और हल्दी पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा। और इसमें हमने डाल देनी है अब टमाटो प्यूरी और इसको हमने तब तक भूनना जब तक ये तेल ना छोड़े। टमाटर डालने के बाद मसाला हमारा पक चुका है। अब इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और हमने इसमें पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद इसको हमने बॉईल आने देना है। ग्रेवी में उबाल आ चुका है, अब इसमें हमने कोफ्ते डाल देने हैं। कोफ्ते डालने के बाद गैस को सिम कर देंगे और 5 मिनट इसको ढक के हमने पकाना है। कोफ्ते डालने के बाद इसको हमने सिम गैस पर 5 मिनट पका लिया है। कोफ्ते हमारे हो चुके हैं क्योंकि ग्रेवी इतनी गाढ़ी है, ठंडा होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। कोफ्ते भी आप देख सकते हो फूल चुके हैं। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे। कच्चे पपीते के कोफ्ते खाने को तैयार हैं। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और इसमें विटामिन ए की मात्रा भी बहुत है पपीते में, और बनाना भी बहुत ही आसान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।